नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टूजेट बर्दी पार्ट महिला का वायरल वीडियो। बलिया में इन दिनों एक वायरल वीडियो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक महिला थाना अध्यक्ष को गालियां देते हुए वर्दी को फाड़ रही है। वर्दी वालों की गुंडागर्दी तो आपने कई बार देखी होगी, पर क्या वर्दी वालों का वर्दी फाड़ते किसी महिला को देखा है क्या? यकीन नहीं होता तो यूपी के बलिया जनपद में वायरल हुए इस वीडियो को देखिए, जहाँ एक महिला पहले तो महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट करती है, फिर इस इलाके के थाना अध्यक्ष की वर्दी भी फाड़ देती है। इस वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो सही है। दरअसल 3 दिन पहले नगरा थाना क्षेत्र के खरुआ गांव में राजस्व कर्मियों के साथ समाधान दिवस के प्रार्थना पत्र पर निस्तारण कराने गए थाना अध्यक्ष की एक महिला ने न सिर्फ कॉलर पकड़ी बल्कि वर्दी भी फाड़ दी। रास्ते के विवाद को लेकर वहां लेखपाल से लेकर कई सरकारी कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। राजस्व विभाग की मांग पर सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष महिला कांस्टेबल के साथ भी पहुंचे। अभी बातचीत चल रही थी कि आरोपित महिला ने महिला कांस्टेबल से हाथापाई शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे थाना अध्यक्ष का कॉलर पकड़ लिया व गाली देते हुए वर्दी के बटन तक तोड़ दिए। महिला द्वारा पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने और महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित महिला शिल्पा देवी व उसके जेड हरिकेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार टू जेड के लिए बलिया से मोमचाद अहमद की रिपोर्ट। इसमें श्रावस्ती मॉडल के तहत राजस्व टीम और पुलिस साथ में गई थी उस गांव में, और वहां पैमाइश की कार्रवाई हो रही थी। उसी बीच एक पक्ष ने उसमें विरोध किया उस बात का, और उसी परिवार की महिला ने थाना प्रभारी के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो मैम, आखिर इतना उग्र होने का कारण कुछ पता चला कि आखिरकार महिला क्यों इतना बड़ा कदम उसने उठाया कि वो किसी पुलिसकर्मी पर जो है इस तरीके से दुर्व्यवहार कर? जमीनी विवाद है और उसी में उसको विरोध था कि उसकी पैमाइश गलत हो रही है, उसी के कारण उन्होंने विरोध किया।